हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना सिंह, आज के सिनेमा की आवाज़ और समरी ऑफ सिनेमा में मैं आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपको नेटफ्लिक्स में लास्ट मंथ रिलीज हुई टॉप 5 मूवीज रेकमेंड करने वाले हैं। नंबर 5 पर है क्रू। क्रू एक हाइस्ट कॉमेडी फिल्म है जिसे राजेश ए कृष्ण ने डायरेक्ट किया है और टबू, करीना कपूर खान और कृति सैनन को एयर होस्टेसेस के रूप में दिखाया गया है जो उनके एडवेंचर्स के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें उनके एयरलाइंस के दिवालिया होने पर उनके एयरलाइन का बुर्ज भाग जाता है और अपनी गोल्ड स्मगलिंग से वहाँ सेटल हो जाता है। गीता, जैस्मीन और दिव्या डिसाइड करते हैं कि वो ये स्मगल गोल्ड वापस लाके अपने और अपने सारे एम्प्लॉइज का सारा पैसा चुकाएंगे। कपूर, सैनन और टबू ने स्टेलर परफॉर्मेंसेस दी है। स्क्रीन प्ले की बात करी जाए तो हंसी और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस रखा है जो ऑडियंस को पूरे समय एंगेज रखता है। क्रू एक डिलाइटफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑफर करता है जो व्यूअर्स को एंटरटेन्ड और अपलिफ्टेड कर देगा। ये एक वन टाइम वॉच फिल्म है जो OTT पर एक बार देखने जैसी है। नंबर 4 पर आती है अमर सिंह चमकीला, जो एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो अमर सिंह चमकीला एक रियल लाइफ म्यूजिशियन पर आधारित है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर इम्तियाज अली ने, जिन्होंने काफी बेहतरीन फिल्में बनाई है। चमकीला पंजाब के एक मशहूर सिंगर म्यूजिशियन हुआ करते थे जो कि एक समय में अपने सेक्सुअल लिरिक्स वाले गानों के लिए पंजाब में काफी चर्चित और मशहूर थे। उनका और उनकी वाइफ का भारी महफिल में कत्ल कर दिया गया था। फिल्म में दिलजीत ने काफी जेन्युइन और गहरी परफॉर्मेंस दी है एज अमर सिंह चमकीला। उन्होंने अपना किरदार काफी बखूबी से निभाया है और अपने परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया है। परिणीति चोपड़ा ने भी कमाल की परफॉर्मेंस दी है एज हिज वाइफ अमरजोत कौर। इस रोल के लिए परिणीति चोपड़ा ने वेट पुट ऑन करके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है ताकि वो अपने किरदार को ऑथेंटिकली एग्जीक्यूट कर पाए। म्यूजिक भी फिल्म का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें AR रहमान और लिरिसिस्ट इरशाद कामिल ने मिलके कमाल का काम किया है। ये फिल्म ऑडियंस को उस समय और दौर में ले जाता है जब चमकीला की आवाज जोर जोर से महफिल में गूंजती थी। अब नंबर 3 पर आता है शैतान, जो कि एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसमें अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका और जानकी बोदीवाला ने काम किया है। फिल्म को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है और देवगन फिल्म जियो स्टूडियोज और पेनोरामा स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 2023 की गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। ये फिल्म एक 4 मेंबर परिवार की है जो अपने फार्म हाउस पर वीकेंड ट्रिप पर जाते हैं। रास्ते में वो एक अनजान व्यक्ति से मिलते हैं जो पहले फ्रेंडली लगता है लेकिन उसके इरादे बुरे होते हैं। वो काला जादू करके उनकी बेटी के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसका इस्तेमाल उसके माँ बाप से उसे दूर अपने साथ ले जाने के लिए करता है। अब सवाल ये है कि उसे उसकी बेटी क्यों चाहिए और क्या उसके माँ बाप उसे बचा पाएंगे, ये देखने के लिए जाइए जाके शैतान देखिए नेटफ्लिक्स पर। आर माधवन जो शैतान का किरदार निभा रहे हैं वो एंटागनिस्ट में ब्रिलियंट है और वाकई में शैतान है। इस फिल्म में शानदार डायरेक्शन, एडिटिंग और सभी कलाकारों की मजबूत परफॉर्मेंसेस है। फिल्म के आखिरी 15 मिनट थोड़े क्लीशे हैं लेकिन क्लाइमेक्स में ट्विस्ट जबरदस्त है। नंबर 2 पर आती है लियो। लियो ब्लडी स्वीट, जो कि साउथ की फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज ने। पार्थिपन यानी विजय, जो एक एनिमल रेस्क्यूअर और कैफे ओनर है जो अपने परिवार के साथ थियो हिमाचल प्रदेश में अपनी असली गैंगस्टर की पहचान छुपा कर रहता है, जब वो अपने परिवार को एक हादसे में कुछ गुंडों से बचाता है तो वो एक्सपोज हो जाता है और उसके पास के सारे गैंगस्टर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। साउथ से मशहूर एक्टर विजय ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और त्रिशा ने एज हिज वाइफ एक कॉम्प्लेक्स सपोर्टिंग रोल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फिल्म को जो बाकी सबसे अलग बनाता है वो है इसका अबिलिटी टू कीप द ऑडियंस एंगेज थ्रू आउट इट्स रन टाइम। लूजली बेस्ड ऑन द इंग्लिश फिल्म हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, इसके प्लॉट के ट्विस्ट और टर्न्स अनएक्सपेक्टेड और वेल एग्जीक्यूटेड है, इंश्योरिंग कि आप कभी भी नहीं जान पाते कि अगला क्या होने वाला है। लेकिन इसमें कुछ माइनर शॉर्टकमिंग्स है जैसे कि मिडिल एक्ट में कुछ पेसिंग इश्यूज, लेकिन ये सब फिल्म्स की कई स्ट्रेंथ्स के सामने छोटी चीजें हैं। और आखिर में नंबर 1 पर आते हैं लापता लेडीज, जो एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने डायरेक्ट किया है और इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान और ज्योति देशपांडे ने। ये एक गाँव के 2 नौजवान नए दूल्हे दुल्हन की कहानी है जहाँ दोनों दुल्हने अपने पति के घर जाते वक्त ट्रेन में एक दूसरे से बदल जाती है। ये एक ऐसी मूवी है जो परिवार के साथ देखनी चाहिए। ये मूवी साबित करती है कि एक मूवी के लिए बड़े सितारे वाले एक्टर्स की जरूरत नहीं होती। फिल्म ने क्रिटिक्स और ऑडियंस से पॉजिटिव रिव्यूज पाए हैं उसकी कहानी और स्क्रीन प्ले के लिए। इस फिल्म में जमतारा के मशहूर कलाकार स्पर्श श्रीवास्तवा और साथ में नितांशी गोयल और प्रतिभा रत्ना भी है, जिनको अपने प्रदर्शन के लिए काफी तारीफ मिली। ये फिल्म आपको गूज़बम्प्स और प्यार का एहसास एक साथ देगी, मस्ट वॉच। सो वेल फ्रेंड्स, ये था नेटफ्लिक्स के टॉप 5 मूवीज की रेकमेंड
रिकमेंडेशन आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए।